मैं कल 2 बजे दोपहर को चला था और आज 10 बजे मानसा में पहुंचा हूं, और जिसमें मैंने 315 किलोमीटर की यात्रा की है। और ये मैं पूरी रात भर चलता रहा, और फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश होने के बाद नहाना धोने, क्योंकि रास्ते भर मुझे बारिश मिली। तो फिर अभी मैं 12 बजे यहाँ पे जो सिद्धू जी हैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने की, और उनकी माता जी से मिला। इच्छा तो थी कि उनके पिताजी से भी मिलूँ, लेकिन वो यहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं है। 29 मई से के बाद ही मैं इनका नाम जाना कि ये इतने बड़े सिंगर हैं, और ग्रेजुअल ग्रेजुअल मैंने एक्सप्लोर किया, देखा, और गाने जब मैंने सुने, और ये जो 295 वाला गाना है, इसने मुझे ऐसा हुआ कि कोई एक सच्ची आत्मा, कोई सच्चा आदमी कुछ बात कह रहा है। तो उस सिद्धू की जो सच्ची आत्मा, सच्चे विचार मुझे यहाँ खींच कर लाए हैं, और वही एनर्जी, उसी एनर्जी के बिहाव पर ही मैं यहाँ साइकिल चलाते हुए पहुँचा। मेरा ये मानना है कि ठीक है, किसी ने सिद्धू जी का शरीर ले लिया है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आदमी वो मरता है जिसको आप भुला देते हैं, और जिन अगर आप याद रखेंगे तो जीवन पर्यंत कोई भी आदमी मर नहीं सकता है। और लेकिन सिद्धू ऐसे हैं कि ये ठीक है, शरीर चला गया है, लेकिन ये अमर शहीदों की श्रेणी में आ गए हैं, अमर हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जो 295 वाला जो गाना गाया है उसमें वो जो सच्चाई बयां की है वो ऐसी है कि उसने बहुत लोगों को, उसको सिद्धू जी का फॉलोअर बना दिया है, उनको प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया है, और मैं समझता हूँ कि आजीवन अमर करने के लिए